आज हम एमसीएन समाचार की तरफ से शेंद्रा गांव में आए हुए हैं और यहाँ के नए सरपंच नूरजहां पठान से बात करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। आपको सरपंच बन के क्या महसूस हो रहा है? हमको महसूस हो रहा है कि हमको खुशी हुई है कि हमारे गांव में मैं ये अपने हिंदू समाज बहुत है और हम मुस्लिम होकर सरपंच बने हैं। अच्छा, आप कौन से काम को अहमियत देंगे गांव के अंदर? यानी जो हमारे बाकी काम रहे हुए हैं हम उसको पूरी अहमियत देंगे। जो पुराने सरपंच ने नहीं किए? हाँ, वो बाकी जो रहे हुए पेंटिंग में पड़े हुए काम पूरे करेंगे। कौन कौन से काम है वो? वो डेनिस लाइन है और रोड के काम है, आने वाला रोड है, लाइट है, ये जो बाकी जो काम है हमारी मीटिंग के वो सब कर रहे हैं। पढ़ाई के बच्चों की, महिला सचिव। और ये आप महिला सरपंच बनने के बाद आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी महिला आगे बढ़े और अच्छे काम करे, मतलब जो भी काम है महिला के वो कर रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब सरपंच, ये सरपंच का इलेक्शन कैसा हुआ आपके गांव के अंदर? ये पहले जो सरपंच है हमारे, तो उसका रिक्त पद हुआ, उसके बाद में हमारे अपना जाति प्रमाण पत्र से हम बने। सिंद्रा से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। हमारे अम्मी जो है तो सरपंच बनी है सिंद्रा गांव की, और ये गांव जो है तो MIDC एरिया है और यहाँ पर बहुत सारी लोग संख्या है और इसमें मुस्लिम जो है तो बहुत कम लोग है यहाँ पर। फिर भी जो है तो हमको गांव वालों ने मिलकर जो है तो बिन विरोध सरपंच बनाया है। यहाँ पर अभी 2-3 महीने बाकी है, 2-3 महीने जो है वो इसके पहले रिक्त थी जो यहाँ पर जगह सरपंच की, उस रिक्त पद के लिए जो है तो 2 फॉर्म आए थे, एक रिजेक्ट हुआ और हम OBC मुस्लिम में से जो है तो रिजर्वेशन कोटे में से सरपंच बने। हमारा जो है तो 4 तारीख को निवड़णूक थी, 5 तारीख को जो है हमारा चयन हुआ और हम जो है तो नए सरपंच बने। और 35 साल में पहली बार यहाँ पर जो है तो मुस्लिम महिला सरपंच बनी है, बड़ी खुशी की बात है। और हमारे यहाँ पे 250 ही जो है तो मुस्लिम वोटर है और बाकी जो है तो हिंदू बहुल एरिया है। फिर भी जो है तो गांव का जो है तो गांव में हिंदू मुस्लिम बहुत एकता है, इसीलिए जो है तो इन्होंने हमको जो है तो बिन विरोध सरपंच बनाया। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ की। और जो है तो हमारे जो विकास के जो काम है पहले हमने किया है और कुछ दिन से बंद थे सरपंच के इलेक्शन के लिए, लेकिन हम जो है तो जो पहले थे हमारे उनको लेकर हम जो है तो उनके साथ में काम करेंगे। पहले जो यहाँ पर हमारे मेंबर थे उनको साथ में लेकर जो है तो हम विकास के काम करेंगे, उनके जो पेंडिंग काम है वो भी करेंगे और नए से जो काम है हमारे ड्रेनेज लाइन है, रोड है और स्मशान भूमि है, उसके बाद में पानी की लाइन जो उनकी चालू थी तो उसको थोड़ी गति देंगे। और जो है तो हम महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए करेंगे और बच्चों के पढ़ाई के लिए जिला परिषद पर स्कूल पर ध्यान देंगे और जो है तो आरोग्य के लिए कुछ करेंगे। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है इसलिए हमको जो है तो थोड़ा जल्दी जल्दी जो है तो काम करना है और पूरे गांव को लेकर हम जो है तो सबके भरोसे को लेकर हम जो है तो काम करेंगे। और इंशाल्लाह इससे एक संदेश देंगे कि भाई महिला मुस्लिम होकर भी ऐसा काम कर सकती जो है तो जो गांव के लिए फ़ायदे के लिए है। और यहाँ पे MIDC एरिया होने की वजह से जो तो बच्चों के रोज़गार के लिए भी, हमें लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो हम MIDC में जो है तो उनसे बात करके बच्चों के लिए रोज़गार भी उपलब्ध करेंगे। आज आपने देखा है हमने सरपंच से बात की है और इन्होंने हमसे क्या कहा है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद शेख जुनैद के साथ।